जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों कैसे हो दोस्तों? हनुमान जी महाराज आप सब पे करुणा करें, कृपा करें, यही हमारी आशा है। और एक बहुत अच्छा अनुभव तुम्हारे दिमाग के तार खोल देगा, वो अनुभव लेके आया हूं तुम्हारे लिए हनुमान जी महाराज। एक बहन है, उनका नाम देखो बताना सही नहीं है ऐसे मामले में, लेकिन मैं उनका अनुभव शेयर करना चाहता हूं। उनका हमारे पास मैसेज आया था, मतलब हमारे ही जाप विधि और पाठ विधि के उपाय से ऐसा चमत्कार उनकी लाइफ में हुआ, मतलब हमारे तो नहीं बोलूंगा, हनुमान जी के जाप विधि और पाठ विधि के उपाय की वजह से जो हमने हमारे माध्यम द्वारा बताया गया, हनुमान जी ने ऐसी कृपा की उन पर। जय श्री राम बोलकर शुरू करता हूँ। जय श्री राम। क्या था कि उन बहन का हमें मेल आया, मेल पे उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जो एक साल से गायब है, उसका पता लगाना, ना नंबर है, ना एड्रेस है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कोई तुम्हारा सोशल लिंक है, व्हाट्सएप वगैरह, ITC, फेसबुक, कुछ नहीं, कोई पता नहीं लग रहा उसका। कैसे पता करें गुरु जी बताइए? मैंने उनको बताया कि हनुमान जी का मंत्र दिया मैंने उनको, जंजीरा एक बार, शायद जंजीरा दिया था, बहुत समय पहले की बात, मुझे मंत्र का याद नहीं है। मंत्र दिया और जाप करने के लिए बोला मैंने, हनुमान जी से विनती करना, जरूर आपको इन्फॉर्मेशन उनकी मिल जाएगी। तो उस दिन उस समय इन्होंने सीरियसली नहीं लिया हमको, क्योंकि हम तो तुम्हें पता ही है लड़के से हैं, मैं सीरियसली लेता कौन है। तो मतलब बड़े अगर वैसा दरबार टाइप का हो तो सब सीरियसली लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया तो वो जाप और परहेज कंटिन्यू वगैरह वो पाठ नहीं कर पाए, एक दो दिन शायद ट्राई किया, वो फिर नहीं कर पाए, वो छोड़ दिया उन्होंने। कुछ दिन फिर उन्होंने हमसे पूछा तो मैंने फिर बताया कि आप बहन ये करो, आपको हनुमान जी महाराज रास्ता दिखा देंगे। रास्ता क्या? वो सामने आ जाएगा आपके, खुद ही फोन कर देगा। और वो जो गया है वो टेंशन और डिप्रेशन की वजह से गया, बहुत मजबूर होकर के, ये हमने उनको बताया था, पूछा मैं बताया था, ठीक है। नाम उन्होंने बोला था, हमने नाम भी बताया था उसको, नाम रिवील करना सही नहीं है। दूसरी बार भी उन्होंने इग्नोर, मतलब जो हमने उपाय बताया, मंत्र दूसरा था इस बार, लेकिन जाप करने के लिए कहा हमने, तो उन्होंने भी कोशिश करी लेकिन वो नहीं कर पाए किसी तबीयत खराब के चलते। लेकिन इस बार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे कुछ भी हो वो करना है जो दीपक भैया ने बताया है। उन्होंने इस बार जो दशहरे से लेकर के दिवाली तक 21 दिन आते हैं, उन 21 दिनों में जाप करने की सोची। लेकिन वो महिला है, महिलाओं को तुम्हें पता है 4-5 दिन की समस्या हो जाती है, तो फिर नहीं कर पाई। फिर वो बाद में उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके पास 15 दिन का समय बचा, मतलब दिवाली 15वें दिन थी, जाप जिस दिन से शुरू किया था उस दिन से दिवाली 15वें दिन थी, दशहरे से शुरू नहीं कर पाए वो ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज। कोई बात नहीं, उन्होंने सच्चे मन से उस जाप विधि को ही, मंत्र की जाप विधि को ही आधार मानते हुए कि हनुमान जी महाराज जिस तरीके से श्री राम प्रभु और सीता मैया को दशहरे दिवाली वाले दिन अयोध्या लाए थे, आप आपकी वजह से ही आए थे, और ऐसे ही मैं उसको जो एक साल से बिल्कुल गायब है हर तरह से, उसका पता लगाना चाहती हूं, कृपा करें प्रभु। और जब ऐसा हुआ था, जब उनसे इनका लिंक टूटा था, वो कोई भी थे, लिंक टूटा था, तो इन्होंने हर एक से बात करनी बंद कर दी थी फोन वगैरह पे। तो इन्होंने जाप किया रोज दीपक जला के, विनती करके कि प्रभु जरूर मिलवाना, जरूर बात कराना, वो खोया हुआ व्यक्ति मुझे चाहिए। तो 15वें दिन आखिरी दिन था, दिवाली थी, दिवाली वाले दिन इनके फोन पे अननोन नंबर से कॉल आया। सुनना दोस्तों, अननोन नंबर से कॉल आया। तो जब अननोन नंबर से कॉल आया तो ये डर गए कि किसका कॉल है, इन्होंने उठाया नहीं। फिर आया, फिर काट दिया, फिर आया, फिर काट दिया। फिर जब चौथी बार आया तो इन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, बैक लिस्ट में। और कुछ देर बाद, आधा घंटे बाद उस ब्लैकलिस्ट से उसको हटा करके देखा,
तो ब्लैकलिस्ट में भी जब वो नंबर होता है तो कॉल तो नहीं आता, बजता तो नहीं फोन, लेकिन आपको दिखाया जाता है इतनी बार इसने कॉल किया है, तो ये टेंशन में आ गई कौन कॉल कर रहा है। तो उन्होंने दूसरे फोन से उस नंबर को कॉलिंग में डाला, ट्रू कॉलर पर चेक किया, वो उसी व्यक्ति का नाम दिखा रहा था जिस व्यक्ति को एक साल से ढूंढना चाहती थी, जो गायब हो गया था। फिर भी इन्होंने कॉल नहीं किया, उन्होंने व्हाट्सएप पे पूछा कौन, तो वहां से रिप्लाई आया, उसने अपना नाम बताया, नाम नहीं बता रहा मैं जानबूझ के, उन्होंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने बोला आप तो कैसे, तब फिर बात हुई फोन पे, तब उन्होंने बताया कि मेरी मदर को, मतलब इन्होंने, इन बहन ने हमें बोला कि भैया आपने जो मुझे बताया था कि वो टेंशन डिप्रेशन की वजह से सब कुछ छोड़ दिया उसने, इसीलिए वो गया है, आपको मालूम चल जाएगा। तो वैसे ही 15वें दिन जो आखिरी दिन था इनकी जाप का, उसने बताया कि मेरी मम्मी को कैंसर था, इस वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चला गया था, मम्मी का इलाज करा रहा हूं अभी भी, अब मैं माफी चाहता हूं। फिर बात की, मतलब समझ गए होंगे आप, फिर बात हुई इनकी। अब इन बहन ने हमें ईमेल लिखा और बोला भैया ये बहुत बड़ा चमत्कार है आपकी कृपा से। तो मैं इन बहन को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं, मेरी कृपा से नहीं बहन, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हार्ड मास से बना हुआ दीपक भाई हूं तुम्हारा, बस असली जो काम किया वो हनुमान जी ने किया और तुम्हारे जाप ने किया, जो तुमने जाप किया ध्यान लगा के, उस जाप की वजह से शक्ति एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी ने मजबूर कर दिया उस लड़के को वो तुमसे कांटेक्ट करे कि आई एम हेयर एंड दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई एम, इस वजह से मैं गायब हुआ था, सब कुछ उसने अपने मुंह से बताया। ये शक्ति मंत्रों की शक्ति होती है, ये बजरंग बली की शक्ति होती है, ये जाप की शक्ति होती है, साथ में तुम्हारा ध्यान और भाव भी जरूरी है। तो इन्होंने बताया बहुत बड़ा चमत्कार हुआ भैया, मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार। मैंने कहा बहन आपके लिए नहीं तो हमारे लिए भी चमत्कार है भैया, इस पे वीडियो जरूर बनाना। ठीक है, वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि और लोगों को मालूम चले जाप विधि और पाठ विधि में कितनी शक्ति है, जिसको आप हल्के में लेते हैं, लेकिन आप चाहते हैं चुटकी बजे और थाली लग जाए सामने खाने की, बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, साफ होना पड़ता है, नियम के हिसाब से कब काम करना पड़ता है, मन से आटा गूंदना पड़ता है, उसके बाद अच्छा खाना तैयार होता है, मतलब भक्ति जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो जब मिलेगा, मेहनत करनी पड़ती है, पाठ करना पड़ता है, भगवान पे विश्वास करना पड़ता है। अब इन्होंने ये पूछा कि भैया उनको, उनकी मम्मी को कैंसर की समस्या है तो क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। बहन बस आप विनती करें कि प्रभु इनका दुख दूर हो जाए, बस इतना ही बोलूंगा मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही मैंने मेल में लिखा उनके, क्योंकि समझ।